तो दोस्तों अपनी कबूतर की बेटी यहाँ पे फंस चुकी है, देखिए क्योंकि यहाँ पे पिल्लर है। ले आ आ आ दोस्तों, ये आया उसको उड़ा दे। आया 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 दोस्तों, ये बैठा है कबूतर देखिए पोल के ऊपर में, और देखिए दोस्तों कैसी चिड़ी मुंडी कर रहे हैं दोस्तों। लकवी वाला कबूतर पकड़े दोस्तों, ये अनुज है और अभी शाम का टाइम में देख सकते हैं आप, अभी अपने सारे कबूतर बंद है और दोस्तों ये मेरे पास से कबूतर ले रहा है। तो दोस्तों ये जोड़ा देखिए आप, ये तांबड़ा कबूतर है और ये धूमी मादी है। तो ये जोड़ा दोस्तों मैं इसको दे रहा हूँ कबूतर पालने के लिए। ये कितने कबूतर अपने पास? मेरे पास 20 से 25 कबूतर है। 20 से 25 कबूतर है दोस्तों। इससे पहले मैं इसको कबूतर दिया हरा कबूतर, और अभी ये दो कबूतर दे रहा हूँ। इस कबूतर के पर बंधे हुए, इस कबूतर के पर मैं टिप से बांधा हूँ और इस मादी के पर कटे हुए, तो उसको लेके जाना और उसके सिर्फ अंडे बच्चे करना, उसके बच्चे उड़ाना सिर्फ। तो दोस्तों ये अपनी गाड़ी है और अभी दोस्तों हम कबूतर की पिटी लाने जा रहे हैं। इस बार दोस्तों फाइनली कबूतर की पिटी लाने जा रहे हैं, जो कि हमारे खुद के लिए ला रहे हैं हम। तो हर बार हम किसी और के लिए लाते हैं, लेकिन इस बार हम अपने खुद के लिए ले रहे हैं। दोस्तों आप भाई ने बहुत कमेंट करते, गोलू भाई आप अपने लिए कबूतर की पिटी लेके आओ। फाइनली दोस्तों चलते हैं कबूतर की पिटी लाने के लिए। अभी दोस्तों रात का टाइम है और जैसे कि दोस्तों आपने देखे होंगे, अभी दोस्तों मैंने एक जोड़ी कबूतर एक लड़के को दिया हूं। दोस्तों इससे पहले जब हम कबूतर की पिटी लाने गए थे तो आप भाई बोल रहे थे गोलू भाई आप अपने लिए कबूतर की पिटी लेके आओ, और दोस्तों बहुत से भाई को ऐसा लगा गोलू भाई ने कबूतर की पिटी लेके आए खुद के लिए। नहीं, लेकिन ये जो अभी हम ले रहे हैं ना, ये फाइनली अपनी खुद की है, और आप कमेंट करके बताना कि पिटी आपको कैसी लगी। तो अभी तो हम कबूतर की पिटी लेके आएंगे, उसको नीचे रखेंगे और उसका शो हम कल सुबह कराएंगे मॉर्निंग में, और आप कल सुबह देख के बताना कि आपको पिटी कैसी लगी। दोस्तों बहुत ही मस्त पेटी है और हमारे घर से ज्यादा दूर भी नहीं है, बहुत पास में छह पेटी, मतलब ये कुछ 200 मीटर भी नहीं होगा, लेकिन गाड़ी इसलिए लेके जाना पड़ रहा क्योंकि बड़ी पेटी है, भारी पेटी है। और दोस्तों कबूतर की पेटी बहुत ज्यादा मस्त है और बहुत ही कम रेट में हमको मिल रही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा महंगी है। उसके रेट पे आपको बताऊंगा कितने में हमने इसको लिखा है। इन बात है कि वही साइज की पेटी मिली हमको, हमको ना ज्यादा बड़ा चाहिए, बड़ी पेटी होना था ना ही ज्यादा छोटी होना था, ना ही ज्यादा खाने की होना था ना कम खाने की होना था, ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कबूतर की बेटी दोस्तों पीछे में रखी है, आप चलते घर पे और दिन में आपको दिखेंगी वो बेटी, अभी नहीं दिखेंगी, अभी तो हम इसको चढ़ाएंगे रात में और दिन में कबूतर की बेटी का आपको शॉक कराऊंगा मैं। तो चलते घर पे, दोस्तों फाइनली आ गई अपनी कबूतर की नई बेटी। पहले दोस्तों इसको साफ कर लेंगे अच्छे तरीके से, यहाँ पे फिर लेके चलेंगे इसको छत के ऊपर। निकल उड़ाना, तो दोस्तों अपनी कबूतर की बेटी यहाँ पे फंस चुकी है, देखिए क्योंकि यहाँ पे पिल्लर है और इस जगह पे अपनी कबूतर की बेटी फंस चुकी है। इसमें फायदा सिर्फ वीडियो बनाने वाले का है, उसको हाथ में लगाना पड़ता, गजब बेइज्जती है। कोशिश करते घूम तो जाएंगे, घुमा तो लेंगे उसको। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह का टाइम में छत के ऊपर मैं आ चुका हूँ, अभी अपने कबूतर बंद है और दोस्तों अभी मैंने कबूतर उड़ाया हूँ, तो अभी दोस्तों अपने कबूतर ऊपर में उड़ रहे हैं। ये देखिए आप, ये दो पांच कबूतर है सफेद दुम का, ऊपर में दो कबूतर बैठे, यहाँ पे एक कबूतर बैठा है और दोस्तों अभी अपने कबूतर ऊपर में उड़ रहे हैं। चार कबूतर दोस्तों अभी अपने ऊपर में उड़ रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आपने देखे कि हमने कल रात को कबूतर की पेटी ऊपर लाने की कोशिश की, मगर दोस्तों कबूतर की पेटी ऊपर में आई नहीं, तो आज देखते हैं दोस्तों कबूतर की पेटी ऊपर में आती है कि नहीं आती है। दोस्तों आज हमको कबूतर की पेटी इस जगह से लेके आना पड़ेगा, क्योंकि कल दोस्तों अपनी कबूतर की पेटी आनी रही थी, तो आज दोस्तों हमको यहाँ से पेटी लेके आना पड़ेगा इस जगह से। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कबूतर की पेटी अपने छत के ऊपर में आती है कि नहीं आती है, नहीं दोस्तों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उस जगह से दोस्तों कबूतर की पेटी ऊपर आनी रही थी, मतलब दोस्तों कबूतर की पेटी यहाँ पे अटक जा रही थी। दोस्तों जैसे ही कबूतर नीचे उतरते हैं, वैसे दोस्तों हम ट्राई करते हैं कबूतर की पेटी को ऊपर लाने की। दोस्तों ये नया कबूतर आया, देखिए आप। दोस्तों अभी भी एक नया कबूतर आया, ये देखिए उड़ रहा है कबूतर। दोस्तों ये नया कबूतर है और शनिवार दोस्तों इस कबूतर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोस्तों ये बैठा, तो दोस्तों ये कबूतर बैठा है, देखिए आप कलसिरा, और ये सिराजी कबूतर उसके बाजू में बैठा है, और लगता है दोस्तों कबूतर टेढ़ी मुंडी है। ये शनिवार है कबूतर पकड़ने के लिए, और अभी दोस्तों दो कबूतर आए, एक कबूतर अपनी छत के ऊपर बैठा है और एक कबूतर दोस्तों सामने की बिल्डिंग के ऊपर आके बैठा है। ये बैठा है एक कबूतर खैरा,
ये खैरा कबूतर बैठा है और दोस्तों अभी बारिश आ रही है और यहाँ पे नया कबूतर आके बैठा है। दोस्तों ये टेढ़ी मुंडी कबूतर है कलसीरा पीलंग का, तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कबूतर पकड़ में आता है कि नहीं आता है। जब ये कबूतर उड़ रहा था तभी मुझे ऐसा लगा कि टेढ़ी मुंडी कबूतर है। दोस्तों फाइनली थंडिया ने कबूतर पकड़ लिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्यों आया आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों जैसे कि आपने देखा हम कल शाम में हमने कबूतर की पीठी लेके आए, तो दोस्तों वो पीठी को हमको यहाँ से चढ़ाना है, यहाँ से हमको देखना है कि इस जगह से कबूतर की पीठी आएंगी कि नहीं आएंगी। ये जीना है तो कबूतर की पीठी यहाँ से आ जाएगी। बस दोस्तों एक चीज़ की प्रॉब्लम है, दोस्तों ये चीज़ की प्रॉब्लम है, यहाँ पे बल्ली है, इधर बल्ली है क्योंकि यहाँ पे सलाब चला है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ से कबूतर की पीठी आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती। तो दोस्तों ये चीज़ देखने के लिए मैं आया था और दोस्तों मैंने कबूतर की पीठी का माप लेके आया था। दोस्तों मैंने माप लगा के देखा तो कबूतर की पीठी यहाँ से आ सकती है, बस ये चीज़ का प्रॉब्लम है। दोस्तों देखिए अभी अपने घर का शिराजी कबूतर का जोड़ा है जो कि यहाँ पे जाके बैठ गया, क्योंकि दोस्तों हम कबूतर को छेड़ लगा रहे थे तो छेड़ लगाने में कबूतर का जोड़ा यहाँ पे जाके बैठ चुका है। दोस्तों ये है अपनी कबूतर की पीठी, इसको हमको लेके जाने ऊपर में, यहाँ से तो आराम से चल जा रही, बस दोस्तों कबूतर की पीठी इस जगह से टर्न नहीं हो रही, ये देखिए इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, नहीं तो कबूतर की पीठी ऊपर चढ़ जाएंगी, देखो इसको। दोस्तों अपने घर का सिराजी कबूतर देखे काफी जाके बढ़ गया और ये इसकी मादी है, ले आ आ आ ये देखिए दोस्तों ये आया, ये आ गया यहाँ पे, उसको उड़ा दे, वो कोने पे आया आ गया आ गया, पर तो छोड़ रहा है, देखते हैं क्या होता है, बट्टे कि नहीं बट्टे देखना जरा पीछे देखने और जा पीछे, आया उड़ा दे, हाँ। दोस्तों ये बैठा है कबूतर देखिए पोल के ऊपर में, तो ना बात से छतरी पे आका लो, आया आ गया यार, और भी बिठा ले पहले, ये बिठा लूँ क्या शहना कबूतर से निकल, इधर ही कर ले पहले, चला ले पहले, चला इधर कर ले, कर से वो तो सही जगह जाकर बैठे करिए आप शॉप, काली चोंच है, पीली आँख है, तो कौन सा खैरा है या गजरा है, खैरा कबूतर जैसे देखिए आप, ये कबूतर के पर है और दोस्तों नए नए पर है कबूतर के, देखिए आप बहुत परेशान किया, ये इसके इधर के पर है दोस्तों, ये कबूतर की पूछे और सर पूछ देखो कितनी चौड़ी चौड़ी है, तिर्रा कबूतर है, छः दूँ में इसकी सफेद है ना, छः दूँ में तीन, बारह दूँ का कबूतर है, तीन तीन ब्लैक है, ये कबूतर के पंजे काली चोंच काले नाखून, देखिए नली भरा हल्का सा, दोस्तों पकड़ उसके पर बांधते मालूम, ये आया ये उड़ा, ये उड़ा सिरा जी का जोड़ा अपना। तो दोस्तों कबूतर के पर बांध लिए, देखिए दोस्तों ये कबूतर है खैरा कबूतर। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कबूतर कैसा लगा। दोस्तों आपने और एक कबूतर पकड़े जो कि चिड़ी मुंडी है, तो दोस्तों वो कबूतर का भी आपको शौक कराता हूँ। दोस्तों ये कबूतर देखिए आप, ये कलसरा कबूतर है, काली चोंच पीली आँख, ये कबूतर है और ये चिड़ी मुंडी कबूतर है, ये साइड में कबूतर के पेट में दाना पानी कुछ भी नहीं है, ये कबूतर के पर है सफ़ेद पर है कबूतर के, ये इसके इधर के पर है और लगता है दोस्तों किसी ने इसके कबूतर के पर खुला है, ये कबूतर की पूँछ है काली पूँछ है और बीच की वो चुखड़ी भी है इसकी, और देखिए दोस्तों कैसी चिड़ी मुंडी कर रहे हैं। दोस्तों लकवे वाला कबूतर पकड़े और ये कबूतर के पंजे काली चोंच काले नाखून, और दोस्तों देखिए बीमार कबूतर है, बीमार कबूतर इसी तरीके बीट करते हैं, अगर दोस्तों इस कबूतर को मैं अपने कबूतर में रखूँगा तो हो सकता है दोस्तों मेरे कबूतर बीमार हो जाए, पहले दोस्तों हम इस कबूतर का ट्रीटमेंट करेंगे, बाद में दोस्तों इस कबूतर को हम अपने कबूतर में छोड़ेंगे। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस कबूतर को रखना चाहिए या उड़ा देना चाहिए, वैसे दोस्तों कबूतर बहुत ज़्यादा मस्त है, बस कबूतर थोड़ा सा बीमार है, तो इस कबूतर को हम अलग रखते हैं। ये रस्सी है, इसको दोस्तों हमने नीचे छोड़े, और ये कबूतर की पीठी है। दोस्तों कबूतर की पीठी लाना आसान है और उसको छत के ऊपर चढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अभी इन लोग यहाँ पे बांध रहे, मेरे से नहीं होंगी ना भाई, ये बहुत बड़े इंसान छत के ऊपर में आ रहे कबूतर की पीठी चढ़ाने के लिए, पेड़ से चढ़ जाएंगे के ऊपर में, हाँ।
अब इधर की बारी है। लो तनी भाई रस्ता फिर तो अबे अंजन वैसी नहीं नहीं जाली की नहीं क्यों जाली की नहीं जाली की नहीं क्यों तुम इधर उधर दो तीन दंगा हाँ एक दो तो दोस्तों फाइनली अपनी कबूतर की पीठी ऊपर आ चुकी है। तो दोस्तों करिए आप मेरे नए कबूतर की पीठी का शौक। ये है दोस्तों अपनी कबूतर की नई पीठी जो कि है नौ खाने की। दोस्तों ऊपर में टीन लगाए आपको दिखाता है इसको लगा के। मैं दोस्तों इसको लाने के बाद मैंने सबसे पहले धोया था इसको। दोस्तों मात्र 1500 रुपये में हमने कबूतर की पेटी लिखा है। दोस्तों अभी इस कबूतर की पेटी को मैं यहाँ पे रखूँगा क्योंकि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कुछ भी जगह नहीं है रखने के लिए। और दोस्तों हमने कुछ सोची भी नहीं इसको हम कहाँ रखेंगे। और ये दोस्तों ऊपर से लोहे की है। ये देखिए आप यहाँ पे नटबोल्ट लगे लकड़ी के अंदर में। ये देखिए इसके पर लोहे के। दोस्तों आज हमने एक दिन में दो कबूतर पकड़े जो कि दोस्तों एक टेढ़ी मुंडी कबूतर है और एक अच्छा कबूतर है। देख सकते हैं आप अभी अपने सभी के सभी कबूतर बंद है। और दोस्तों जो लोगों ने हमें कबूतर की पेटी ऊपर लाने में मदद करे वो लोग दोस्तों अभी अपने घर पे जा चुके हैं। तो दोस्तों मात्र 1500 रुपये की कबूतर की पेटी आई है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ये कबूतर की पेटी कैसी लगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।